हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु रंजन। टुडे आई कैम अप विद एमसीक्यू बीट क्वेश्चंस फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयू। तो आफ्टर क्वालिफाइंग और सीए या सीएमए यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन फॉर पीएसयू, देन ओनली यू हैव टू गेट इट जॉब। तो और अर्लियर मैम अप टू क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ तक होगा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ 100 क्वेश्चन तक हो चुका है, अभी हम 101 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो नहीं देखने तो जाकर के देख लीजिए, अभी 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़िए, क्या बोलता है। मिस्टर राज, जिसका उम्र है 62 ईयर्स, इज ए कर्ता, वो कर्ता है एचयूएफ का, बीच इज इंगेज्ड इन टेक्सटाइल ट्रेड, ठीक है। कर्ता है एचयूएफ का, उसका उम्र है 62 ईयर्स और वो टेक्सटाइल में ट्रेड करता है। ओके, द टोटल इनकम ऑफ द एचयूएफ, तो फिर बोलता है कि द टोटल इनकम ऑफ द एचयूएफ, जो एचयूएफ है उसका टोटल इनकम है 3,40,000। तो टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द एचयूएफ, तो आपसे पूछा है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एचयूएफ, आपसे एचयूएफ का टैक्स लाइबिलिटी पूछा है। बट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कर्ता का उम्र दे दिया है 62 ईयर्स, कि आप कंफ्यूजन हो जाए और आप नील को टिक कर दें, ठीक है। तो ये गलती ना करें, ठीक है। जैसे कर्ता अगर 62 ईयर्स है और कर्ता का अगर टैक्स लाइबिलिटी मानता ना, तो क्वेश्चन में अगर टैक्स लाइबिलिटी कर्ता का पूछता तो फिर आपका नील होता, क्योंकि ये जो कर्ता था तो कर्ता को इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल को जो 87A का जो रिबेट है 5 लाख तक के रिबेट मिलता ना, उसको फायदा मिल जाता, 5 लाख तक वाला रिबेट मिलता 87A में कर्ता का अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछता तो। बट यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपका पूछा है एचयूएफ का, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे 62 इयर्स दिया है, ऐसा ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये सब पे आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी कर्ता का पूछा है, तो कर्ता का जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपया, तो पहला जो भी टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपया आएगा वो नील होगा, और फिर उसके बाद जो भी 90,000 बचेगा, 90,000 का 5% तो हो जाएगा 4,500, 1 मिनट, आपका 340 दिया हुआ है, तीन लाख 40 हजार दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप 2.5 लाख नील आप ले लीजिए, 2.5 लाख नील हो जाएगा, 2.5 लाख नील, ठीक है। उसके बाद बचेगा आपका 90,000, ठीक है। ये 90,000 पे आपका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 5%, ठीक है, परसेंट बनेगा 5%, तो आपका आ जाएगा 4,500, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिए, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करिएगा, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, फिर आपको ये टोटल आ जाएगा 4,680, ठीक है, आ जाएगा टोटल 4,680। यहां पे 4,680 ऑप्शन में नहीं है, बट इसका आंसर होगा 4,680, ठीक है फ्रेंड्स, 4,680। ओके, तो 101 का ऑप्शन में नहीं है, बट इसका आंसर इतना ही होगा। ओके, तो किसी को भी आप टिक कर लीजिएगा, काट करके 4,680 लिख लीजिएगा। ओके, तो 101 हो गया, 4,680 आंसर होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सब ज्वाइंट अकाउंट इज एग्जेम्प्टेड अप टू, तो जो पोस्ट ऑफिस में जो अगर कोई इंटरेस्ट खुलवा, जो पोस्ट ऑफिस में कोई भी अगर अकाउंट खुलाता है ना, तो उसमें जो उसका जो अकाउंट अगर किसी का रहता है तो सिंगल पर्सन को 3,500 का एग्जेम्पशन मिलता है। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 का मिलेगा, ठीक है, 7,000 का मिलता है, ठीक है।
तो 102 का ऑप्शन बी हो जाएगा 7000। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 102 ऑप्शन 7000। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 बोलता है भेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू सेविंग बैंक अकाउंट। जब कैश को डिपॉजिट कर दिया सेविंग बैंक अकाउंट में, ओके, क्वार्टिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी, क्वार्टिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी भेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इज 50,000 और मोर। जब आप सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 या उससे ज्यादा अगर जमा करते हैं तो फिर आपको पैन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। भेन कैश इज डिपॉजिटेड इन सेविंग बैंक अकाउंट, क्वार्टिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी भेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 50,000 और मोर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन बी हो जाएगा 50,000 रुपीज। ओके, सब करेक्ट है, 103 का ऑप्शन बी हो जाएगा 50,000। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन इसको भी ध्यान से देखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 17-18 दिया हुआ है, ठीक है। सेल बी कंसीडर्ड एज, इसको पूछ रहा है आपको सेल बी कंसीडर्ड एज, तो ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल ईयर 17-18 दैट मींस फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर बोला जाता है, ये ध्यान रखिए, तो इतना तो पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी पढ़िए, ऑप्शन बी करेक्ट इसका ऑप्शन है, इसलिए मैं आपको ध्यान से देखिए आप दिखा रहा हूँ। असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17, ये जो प्रीवियस ईयर 16-17 होगा ना, प्रीवियस ईयर 16-17 उसका असेसमेंट ईयर होगा 17-18, ठीक है, ये बोल रहा है असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17, ओके ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए एंड प्रीवियस ईयर फॉर असेसमेंट ईयर 18-19, ठीक है। इसका जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, तो इसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 18-19, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा 104 का ऑप्शन बी, असेसमेंट ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 16-17 एंड प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 18-19। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। क्वेश्चन नंबर 105 बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम यूनियन लिस्ट कंटेंट एंट्री, जो इनकम टैक्स है ना वो कौन सा यूनियन लिस्ट में, जो कौन सा एंट्री नंबर में इनकम टैक्स को लिखा गया है, तो वो है एंट्री नंबर 82, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन ए हो जाएगा 82, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 106 में। 106 है फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम, पूछ रहा है इसमें से कि कौन है जो हेड ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, ये जो ऑप्शन सी है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है जो हेड ऑफ इनकम नहीं है, बाकी हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सैलरी, ये जो दोनों है ना, ये दोनों है हेड ऑफ इनकम। फाइव हेड्स ऑफ इनकम होता है ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सैलरी पीजीबीपी और फिर कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। तो ये जो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है जो है ए है जो नोट ए हेड ऑफ इनकम। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। क्वेश्चन नंबर 107 बोलता है इफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन 888.34, ठीक है, इट शैल बी राउंडेड ऑफ टू। तो आपको बोल रहा है कि इसको आप राउंड ऑफ कैसे करिएगा, आपसे राउंड ऑफ करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना होता है, ये जो लास्ट टू डिजिट होता है ना, ये अगर 5 से ज़्यादा अगर हुआ लास्ट टू डिजिट, तो उसको आप नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मतलब ये जो 8 है तो इसको आप 90 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 267 और 8 तो सेम रहेगा, उसके बाद 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 267 867 890, ठीक है, 890, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सही, 107 का ऑप्शन भी हो गया। आगे बढ़ रहे हैं 108, क्वेश्चन नंबर 108 बोलता है इनकम टैक्स इज ए, इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 बोलता है ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ, एक HUF को कब रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया होगा, तो ठीक है। तो 109 का सी हो जाएगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर
होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया होगा तब HUF को इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110 में। 110 बोलता है एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ, एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट कब बोला जाएगा, एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट बोला जाएगा ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 182 डेज और मोर, 182 दिन कम से कम होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, तब एक इंडिविजुअल को रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111। एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, एन इंडियन सिटीजन है लिविंग इंडिया को लिव करता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस इज सेट टू बी रेसिडेंट इफ, तो कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ के जाता है तो उसे स्पेशल पर्सन की कैटेगरी में रखा जाता है, जो 365 का जो क्रेडिट जो होता है वो इसमें नहीं काउंट होगा, नंबर ऑफ डेज जो होता है 365 दिन इसमें नहीं आएगा, सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ 182 दिन का क्राइटेरिया देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 182 दिन का क्राइटेरिया देखा जाता है, तो ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, तो क्वेश्चन नंबर 111 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ओके। हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 112 में। 112 क्या बोलता है, एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशनल, एन इंडिविजुअल है बीइंग फॉरेन नेशनल केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है, इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल है बीइंग फॉरेन नेशनल है, ठीक है, मतलब फॉरेन सिटीजन है, केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18 में पहली बार भारत में आया, ऑन 1-1-2018 में आया, ठीक है, 1-1-2018 को आया, मतलब 1 जनवरी 2018 को आया, ठीक है, फॉर 200 डेज इस रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18, तो 17-18 का रेसिडेंशियल स्टेटस आपसे पूछ रहा है कि वो वेदर वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा, ठीक है, तो 1-1-2018 को आया ही है, तो जनवरी का 30 दिन ले लीजिए और फरवरी का 28 डेज ले लीजिए, फिर मार्च का 31 ले, तो वो ऑलमोस्ट 90 दिन ही रहा, तो 90 दिन में थोड़ा ना होता है रेसिडेंट, तो ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, तो 112 का ऑप्शन हो जाएगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में। क्वेश्चन नंबर 113 बोलता है फॉलोइंग इनकम ऑफ ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, दैट इज फॉलोइंग इनकम ऑफ ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया, इस कौन को पूछ रहा है, इसमें कौन है जो टैक्सेबल होगा इंडिया में, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ ये तो टैक्सेबल होगा, इनकम क्या होता है ना टैक्सेबल इंडिया में, अक्यूर होता है चाहे फिर कहीं से हो, ठीक है, इनकम अक्यूर और रिसीव कहीं से भी हो वो टैक्सेबल होगा, अक्यूर चाहे रिसीव, तो इंडिया में ही हो रहा है ना, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका न्यू यॉर्क ब्रांच, ठीक है, रिसीव हो रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ इंडिया में टैक्सेबल होगा, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन लंदन, तो रेंटल इनकम अगर इंडिया रेसिडेंट को अगर रिसीव हो रहा है तो फिर भी वो टैक्सेबल होगा इंडिया में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। 114 बोलता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, बोल रहा है कि इसमें कौन है जो एग्रीकल्चर इनकम है, तो एग्रीकल्चर इनकम होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ठीक है, ये मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, इसमें आपको समझाना पड़ेगा मुझे, जैसे देख लीजिए कोई भी इंडिविजुअल होता है ना, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ टू इंडिविजुअल है, कोई भी टू इंडिविजुअल ले लीजिए, ए और बी ले लीजिए, ठीक है, वन मिनट आई विल एक्सप्लेन यू देन यू विल अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है, जैसे देखिए एक ए है और एक बी है, दोनों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था एग्रीकल्चर इनकम में, तो जब एग्रीकल्चर इनकम में जब प्रॉफिट होता है तो आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब कि ठीक है आपको एग्जेम्पशन तो मिल जाता है एग्रीकल्चर इनकम का, एग्रीकल्चर इनकम में, बट जो आप जो कमाते हैं एग्रीकल्चर इनकम से वो तो ऐड हो जाता है ना आपका टोटल इनकम में, जब आप टोटल इनकम में आपका टोटल इनकम अगर एग्रीकल्चर इनकम जो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम है वो अगर टोटल इनकम में ऐड हो गया तो फिर तो आपको जो स्लैब रेट होता है वो तो इंक्रीज हो जाता है, तो स्लैब रेट अगर इंक्रीज होने से जो भी आपका जो रिमेनिंग आपका जो इनकम है उसमें तो हाई रेट लग जाता है ना, तो इससे बचने के लिए जो ए और बी है वो सोचा ना करें चलो एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है, तो इन लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म बना लिया, ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म इन लोग बना लिया ना, तो
और इन लोग पार्टनरशिप फर्म बना लिया और यहाँ से जो प्रॉफिट आता था वो ए और बी अपने जो जैसा इन लोग का लैंड था और एग्रीकल्चर इनकम था वैसा रेशियो में इन लोग डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। ठीक है, तो ये बात पता चला इसको इनकम टैक्स अथॉरिटी को, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी केस फाइल कर दिया इन दोनों के ऊपर, ए बी के फॉर्म के ऊपर, कि इन लोग जानबूझ करके फॉर्म बनाया है ताकि जो प्रॉफिट आएगा वो एग्जेम्प्ट होता है ना प्रॉफिट अंडर सेक्शन 10(2)(a) में। ठीक है, तो प्रॉफिट को एग्जेम्प्ट कराने के चक्कर में ये लोग फॉर्म बना लिया, बट ये गलत था क्योंकि ये जो फॉर्म बनाया था वो एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली फॉर एग्रीकल्चर इनकम के लिए था। तो कोर्ट बोला कि अगर ये फॉर्म है, कोर्ट का फैसला ये था, कोर्ट ये पहले बोला, पूछा इन लोग से, क्या ये जो फॉर्म बनाया गया एक्सक्लूसिवली ओनली एंड ओनली फॉर एग्रीकल्चर इनकम है? तो बोला ये लोग ए एंड बी, जी सर, यस सर। बोला कि देखो तुम लोग सिर्फ जानबूझ करके अपना टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाया तो फिर ये गलत है, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी इसका टैक्स लायबिलिटी बनता था वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही अगर ए और बी थोड़ा सा दिमाग यूज करता ना, अगर कंपनी बना लेता तो इसको ये सब झंझट में नहीं पड़ना होता, क्योंकि कंपनी में क्या होता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कंपनी अलग और इसका शेयर होल्डर अलग, बट इन लोग थोड़ा पकलोल था, एक फॉर्म बना लिया तो इन लोग को चलो छोड़ो, समझ गए ना। ठीक है, बीच ऑफ द फ्लोइंग एग्रीकल्चर इनकम, तो पूछा क्वेश्चन में कि कौन है जो इसमें एग्रीकल्चर इनकम है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट करेगा ना ए और बी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट करेगा ना फ्रॉम इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएगा। तो समझ में गए, आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते, जैसे भी हो मुझे पूरा समझा कर ही आगे बढ़ूंगा, ऐसे टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 क्या बोलता है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इनकम रिसीव्ड बाई एन एस एस सी आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। पूछ रहा है कि इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 में कौन एग्जेम्प्शन है, तो एग्रीकल्चर इनकम, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 115 का ये हो गया एग्रीकल्चर इनकम। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 में। क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोलता है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ एग्रीकल्चर इनकम इज, इंडिविजुअल और एचयूएफ के हिसाब से देखा जाए तो एग्रीकल्चर इनकम के साथ क्या किया जाएगा, तो वो एग्जेम्प्टेड तो होता है, जैसे देखिए जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के हाथ में मतलब टैक्सेबल नहीं होता है, मतलब एग्जेम्प्टेड तो होता है बट इसको इंक्लूड किया जाता है टोटल इनकम फॉर द रेट पर्पस। जैसा कि मैं आपको ऊपर में भी बता चुका हूँ कि जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है इन लोग का जो एग्रीकल्चर इनकम होता है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है, बट जितना भी जो इन लोग का एग्रीकल्चर इनकम होता है ना, ये टोटल जो इनकम होता है इन लोगों का इंडिविजुअल एचयूएफ उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिससे ये होता है कि इन लोग का जो टैक्स लायबिलिटी है ना, मतलब इन लोग का जो मतलब टोटल इनकम है ना, वो जो टोटल इनकम अगर बढ़ जाता है ना, तो टोटल इनकम अगर इन लोग का बढ़ गया तो इन लोग का स्लैब रेट बढ़ गया, टोटल इनकम बढ़ने से स्लैब रेट बढ़ गया, तो जहां इसका 20% देना पड़ता था टैक्स, यहां इसको 30% देना पड़ जा रहा है, तो एग्जेम्प्टेड तो है बट इंक्लूड किया जाता है टोटल इनकम फॉर द रेट पर्पस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पढ़िए, इन केस ऑफ एन एस एस सी इंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, यहां पर देखिए फिर से आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, यहाँ पे ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ध्यान दीजिए ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रहता है ना, तो वहां पे क्या होता है ना 60% एग्रीकल्चर एंड 40% बिजनेस, बट यहाँ पे ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, तो ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है एंड हिज एग्रीकल्चर इनकम, और एग्रीकल्चर इनकम से सिर्फ है तो फिर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी मतलब नील होगा, टैक्स लायबिलिटी नील होगा। ठीक है, यही अगर यहाँ पे ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग होता तो फिर आंसर अलग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 का सी हो जाएगा नील। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पढ़िए, 118 क्या बोलता है, रेमुनरेशन टू पार्टनर ऑफ ए फॉर्म इंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। ठीक है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया, तो मैं बता दूं रेमुनरेशन टू पार्टनर ऑफ ए फॉर्म इंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया। ठीक, तो जैसा कि ऊपर मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि
जो दो आदमी था ए और बी, एक फॉर्म बना लिया और यहाँ से जो प्रॉफिट लेता था वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा, एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होगा, आपको याद होगा ठीक है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन क्रिएट किया कि रेमुनरेशन टू पार्टनर, रेमुनरेशन जो वहां से जो रेमुनरेशन इसको मिल रहा है फॉर्म से, रेमुनरेशन ऑफ ए पार्टनर इंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, मतलब रबर को ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो क्या है ना इसका क्या है रूल कि 65% एग्रीकल्चर इनकम होता है एंड 45 नहीं 35 65% जो होता है रबर में, रबर का अगर आप कुछ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं तो फिर उसका जो 65% इनकम होता है वो होता है एग्रीकल्चर में जाता है, 35% जाता है बिजनेस इनकम में। तो ये पार्टली एग्रीकल्चर हो जाएगा एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा ठीक है, 65% फॉर एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% फॉर बिजनेस इनकम। ओके क्वेश्चन नंबर 118 का ऑप्शन ए हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119, 119 देखिए, 119 बोलता है फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, वो रहे कौन इसमें जो एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो बेसिक ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, बेसिक ऑपरेशन अगर आप कुछ भी करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आता है, बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन और एग्रीकल्चर लैंड वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर आता है ठीक है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। ओके नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 120 में, 120 बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, बोल रहा है कि इसमें बताइए कि कौन है जो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा ठीक है, पूछ रहा है कौन है जो सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा। तो रेमुनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज फॉर सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर बाय यूनिवर्सिटी, कोई लेक्चरर से आप अगर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पेपर सेट करवा रहे हैं और उसको कुछ पैसा उसे दे रहे हैं तो वो ना वो सैलरी के अंदर नहीं आता है, वो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर जाता है ठीक है। और ये जो सैलरी रिसीव करता है ना एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, तो दोनों नहीं होगा, दोनों ये जो रेमुनेशन मिलता है लेक्चरर को पेपर ऊपर सेट करने का ना, तो ये भी जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में और ये भी सैलरी रिसीव करता है एमपी, ये भी इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, थोड़ा सीजा दे दो इन लोग को, सैलरी रिसीव्ड बाय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन लोग का भी जो सैलरी रिसीव करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इन लोग का भी जो भी सैलरी होता है वो सैलरी हेड में ना जा करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन क्या था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, तो ये दोनों टैक्सेबल नहीं होगा सैलरी में, मतलब कि दोनों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है, मैं आपको बता दिया अलग से याद रखिएगा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन डी हो जाएगा बोथ ए एंड बी ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में 2020 एमसीक्यू डिस्कस करता जा रहा हूँ, जिससे ये होता ना कि वीडियो एक लिमिट वीडियो मतलब लिमिट टाइमिंग का होता है ना, जैसे कि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, तो बच्चे लोग देखते हैं, मुझे पता है कि आप लोग 30 मिनट से ज़्यादा आप लोग मोबाइल लैपटॉप पर नहीं बैठ सकते, मुझे सब पता है, बट आप लोग अगर मूवी देखना है तो 4 घंटा बैठ सकते हो, बट एक क्लास का लेक्चर हो चाहे एमसीक्यू अच्छा खासा हो जो कि प्रिपरेशन के लिए अच्छा हो उसको आप लोग आधा घंटे ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, इससे मेरे को पता है कि आप लोगों का मेंटिलिटी कैसा है, इसलिए ही मैं सभी क्लासेस को मैं ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स तक रखता हूँ कि जिससे कि आप लोग भी इजिली कवर अप कर सके और बोर ना हो। तो जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं आपको लिस्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रोवाइड करूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो का मैं तो डेली अपलोड करता हूँ ना आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों के लिए लॉ का तो पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, मोर देन 20 वीडियोस आर अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल, इफ यू डिडंट सी द प्लीज विजिट माय प्लेलिस्ट एंड चेक इट फ्रॉम देयर एंड यू सी इट ओके। और अभी तक डीटी का भी इनकम टैक्स अभी बहुत सारे मैं ऑलमोस्ट आई थिंक सो मोर देन 8 वीडियोस आर अपलोडेड इन माय यूट्यूब चैनल, इफ यू डिडंट सी देन प्लीज चेक माय प्लेलिस्ट एंड सी इट फ्रॉम देयर ओके फ्रेंड्स। तो आज वीडियो यहीं तक रखते हैं और ऐसे ही वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो चैनल वाला सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही फायदा मिलेगा ठीक है। चलो थैंक यू आज आज के लिए।